हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज हेलो अगेन बनाने के लिए सीखेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में अगेन कैसे बनता है इस पर डिस्कस किए थे, और ये आपका हेलो अगेन और हेलो इरिन का ये आपका पांचवा लेक्चर है। चौथे लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि अल्किन कैसे बनता है। चलिए, तो उसी सब का यहाँ पे यूज आने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिस्कस कर चुके हैं, उसी सब का यहाँ पे यूज आएगा। ठीक है, यदि आप उस चारों वीडियो को नहीं देखे हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे हिंदी में लिखा होगा हेलो अल्किन एंड हेलो इरिन, हिंदी माध्यम में, वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। चलिए, तो हम लोग डालेंगे हेडिंग हेलो अल्किन बनाने का विधि। हेलो अल्किन बनाने का विधि हेलो अल्किन बनाने का विधि। सबसे पहले हम देखेंगे अल्किन से फ्रॉम अल्किन। अल्किन से हेलो अल्किन कैसे बनता है? ठीक है, यदि हम अल्किन से हेलो अल्किन बनाने की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जो अल्किन होता है इसको हम क्या लिख देते हैं, R, और प्लस इसको हम रिएक्शन करा देंगे H2X2 के साथ, और इसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए HMU या UV रे, अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरण। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? पराबैंगनी किरण एक लाइट ही है। अब देखो, ये अल्किन है और ये आपका हैलोजन X2 है। इसको जैसे इसके साथ हम रिएक्शन कराए तो यह बन गया आपका RX और प्लस HX। एक बात और आपको क्लियर कर दें, इसी हेलो अल्किन को हम एक और नाम से जानते थे ना, एल्काइल हैलाइड, याद आ रहा है? एल्काइल हैलाइड। आपको वहाँ क्या बोले थे कि जो हैलाइड है वह कॉमन नाम, साधारण नाम के लिए प्रयोग करते हैं, और जो आपका हेलो अल्किन है, जो हेलो टर्म है, वह IUPAC के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वही कहानी है, ARX बन गया आपको। इसी को आप यदि आप IUPAC के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसी को आप क्या लिखेगा, हेलो अल्किन। क्लियर, यदि इसी को आप कॉमन नाम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेगा, एल्काइल हैलाइड। क्लियर, मान लो कि इस R के आपका जो अल्किन है, इस अल्किन के बदले में हम CH4 ले लेते हैं। CH4 मतलब मीथेन ले लेते हैं। ठीक है, एक्स जो आपका यहाँ पे एक्स है वह एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, हैलोजन। हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर, ये जैसे आप X2 लिए हो तो मान लो कि हम एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे Cl2 ले लिए, चूँकि एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ध्यान रखना क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। आयोडीन में कुछ कहानी बदलेगी, फ्लोरीन में भी कुछ कहानी बदलेगी, हम चर्चा करेंगे। मीथेन Cl2, जैसे हम इसके साथ रिएक्शन करा, इसके ऊपर लिखा हुआ मिले HMU या UV रे, तो आपका बन जाता है CH3Cl। यहाँ से एक हाइड्रोजन Cl के साथ CH3Cl, और जो हाइड्रोजन निकला और यहाँ से क्लोरीन निकला, वह दोनों मिलकर क्या बन गया, HCl। इस RX को हम क्या बोले हैं, हेलो अल्किन। तो जो आपका CH3Cl है इसको हम बोलेंगे, Cl को क्लोरो बोल देंगे, और जो आपका कार्बन है, इस कार्बन के अल्किन को हम क्या बोल देंगे, हम मीथेन बोल देंगे। तो यह हो गया आपका क्लोरो मीथेन। इसी को यदि हम हैलाइड के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम CH3 को क्या लिख सकते हैं, मिथाइल, और जो आपका Cl है इसको क्या लिख दें, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, यह हो गया क्या आपका क्लोरो मीथेन। देखो, आपको याद कीजिए, हम आपको फ्री रेडिकल बताए थे जिसमें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट अभिक्रिया मध्यवर्ती की बात किए थे, वहाँ पे आपको हम पढ़ाए थे कार्बोकेटाइन पिछले एक दो लेक्चर
क्योंकि पहले आप देखेगा वहाँ पे लेक्चर नंबर 2 या 3 के आसपास होगा, वहाँ देखना। कार्बो के टाइम पढ़ाए थे आपको, कार्बोनाइन पढ़ाए थे, फ्री रेडिकल पढ़ाए थे और कार्बिन के बारे में पढ़ाए थे। वहाँ बताए थे कि जो रिएक्शन मध्यवर्ती होगा उसमें फ्री रेडिकल तभी आएगा जब आपको लिखा हुआ मिले हीट, लाइट, परऑक्साइड। तो उस सब केस में जो मैकेनिज्म होता है, जो कार्य विधि होता है, उसके जो बीच में मध्यवर्ती में जो आता है वह फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक आता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ भी आपके पास यूवी रे एक लाइट है, एचम्यू है, इसी को बोलते हैं, ये दोनों में से कोई एक ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि इसका मैकेनिज्म कौन सा होता है, तो ध्यान रखना इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब है कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे मुक्त मूलक कार्य विधि, मुक्त मूलक कार्य विधि। स्पष्ट? अब समझो बात को, यहाँ पे तो आप X2 इज इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन, आप यहाँ पे CH4 प्लस Br2 भी लो तो क्या बन जाएगा, HMU लिखा हुआ मिले तो फिर आपके पास CH3 और ब्रोमीन और प्लस HBr आपका बन गया हेलो एल्केन, नहीं हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, यदि हम इसी में CH4 है, पहले इसी पे पूरा लेते हैं, ये जो आपका CH4 है यहाँ पे यदि हम I2 के साथ रिएक्शन करा दें, किसके साथ हम करा दें, I2 के साथ, तो यह तो आपका बन जाएगा क्या CH3I और प्लस आपके पास क्या जाएगा HI, और HI जो होता है यह HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि वह कहीं पे जाकर उसमें हाइड्रोजन जोड़ दे, उसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में बोलेंगे इसको अवकारक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अवकारक। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है HI। तो HI तो बना, लेकिन HI अपना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के कारण, अपना एक अच्छा अवकारक के कारण यह क्या करेगा, अपने में से हाइड्रोजन को इसमें जोड़ देगा और I को जोड़ देगा। मतलब है कि यदि आपको इस प्रोसेस में HI बना तो ऐसे और ऐसे यह रिएक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा, यह रिएक्शन ऐसे बना फिर से यह ऐसे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका HI है वह रिड्यूसिंग एजेंट है, अवकारक है। अब मान लो हमको तो बनाना है ना जी, आपका हेलो एल्केन बनाना है, इसको क्या लिखोगे, आयोडोमीथेन लिखोगे ना, आयोडोमीथेन। हमको तो यह बनाना है ना हेलो एल्केन, तो हम क्या करते हैं इस अवकारक को कंट्रोल करने के लिए, ताकि यह अवकारक अपना जो उसका बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, जो उसका प्रकृति है, नेचर है, वह न दिखा पाए, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अवकारक। यह काम क्या करता है? तो यह काम करता है कि जैसे आप इसको लोगे तो जो आपको HI बना है ना, यह इसको फिर से यह बनने ही नहीं देगा इसके साथ रिएक्शन करके। यह क्या होगा, जैसे हम स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करेंगे तो वह तुरंत फिर से वह HI के साथ रिएक्शन करके और आगे वाला प्रोडक्ट बनेगा, न कि बैक प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि इसके एग्जांपल ले लो, मानो हमारे पास HIO थी, ये भी एक अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अच्छा इसको भी अवकारक हम लिख दी, इसको ऑक्सी करक लिखो ना, ऑक्सी करक। मतलब कि जहाँ जाएगा ना उसमें से हाइड्रोजन को हटा देगा या ऑक्सीजन को जोड़ देगा, वही तो ऑक्सी कारक है। चलिए HIO3 HNO3 KMNO4 भी ले सकते हो। तो जैसे आपका जो CH4 है इसको I2 और CH3I और प्लस जैसे HI बना और तुम यहाँ पे यूज कर दिए हो, मान लो कि HIO3, क्या यूज कर दिए हो, HIO3।
तो अब यह एच आई फिर से यह नहीं बनाएगा। अब क्या होगा, जैसे एच आई जाएगा इधर तो इसको यह दिख जाएगा, एच आई ओ थ्री को क्या दिखा, एच आई। अब क्या करेगा कि जो आपका एच आई ओ थ्री है वह एच आई के साथ रिएक्शन कर देगा, और रिएक्शन करके हाँ नो डाउट मोलिक्यूल बढ़ जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं, आपको रिएक्शन करके बन जाएगा एच टू और प्लस आई टू। तो फिर एच आई यहाँ पे रहा नहीं, यह बन जाएगा आपका क्या एच टू ओ और प्लस आई टू, थ्री मोलिक्यूल एच टू हो जाएगा। बैलेंस अपना कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह रहा आपका आयडोमीथेन। तो यह मेथड बेटर होता है, क्योंकि जैसे आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे तो यह यहाँ तक बनकर ऐसे जाकर स्थिर हो जाएगा, बट डायरेक्ट यदि आप ऐसे सिंपल फॉर्म में जाते हो तो पुनः यह ऐसे इस प्रोडक्ट के फॉर्म में चला जाएगा। इसलिए हम जब भी आयडोमीथेन आयडोइथेन बनाने की कोशिश करेंगे एल्केन से, तो हम उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ध्यान रहे यदि मान लो इसी सी एच फोर में हम F2 के साथ रिएक्शन कर दें, इसके ऊपर लिखते हैं HMU, तो यह रिएक्शन करता ही नहीं है, यह रिएक्शन करता नहीं है। क्यों नहीं करता है, तो पहले समझो ये जो R है ना, यह X2 है, तो इस एल्केन के साथ आप हैलोजन को रिएक्शन कराए हो ना, तो इसको हम बोलते हैं हैलोजनीकरण। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हैलोजनीकरण। यहाँ पे आप Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो हम इसको बोलेंगे क्लोरीनीकरण, क्लोरोनीकरण। ठीक है, ये जो आपका CH4 है Br2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं ब्रोमोनीकरण, ब्रोमोनीकरण। I2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं आयोडाइनेशन यानी कि आयोडो निकरण, आयोडीनीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे आयोडीनेशन, आयोडीनेशन। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराए हो तो इसको हम बोलते हैं क्या, फ्लोरीनेशन, फ्लोरीनीकरण। लेकिन यह तो होता नहीं, ऐसा क्यों कि जो फ्लोरीनेशन होता है ना, फ्लोरीन होता है ना, यह ब्लास्टिंग इन नेचर होता है। यह कैसा होता है, ब्लास्टिंग इन नेचर। कहने का मतलब है जैसे आप क्लोरीन लोगे तो जो आपका मीथेन गैस है, जो आपका इथेन गैस है, सब ब्लास्ट कर जाएगा, और ब्लास्ट करने से काफ़ी नुकसान हो जाएगी। इसलिए क्योंकि इसलिए हम इस फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं, जो काफ़ी इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है ना, यह तुरंत इसके साथ जाना, जैसे यहाँ इसके साथ गया तो एक तो जाना नहीं चाहेगा, यदि आप उसको ज़बरदस्ती भी रिएक्शन कराते हो तो वो रिएक्शन ब्लास्ट हो जाएगा, वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा ही नहीं, काफ़ी नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए हम फ्लोरिनेशन का यूज नहीं करते हैं। हाँ, हमको फ्लोरीन बनाना होगा, आयोडो हैलो एल्केन में बनाना होगा हमको, मान लो कि फ्लोरो मीथेन बनाना हो, फ्लोरो इथेन बनाना हो, तो इसको बनाने के लिए दूसरा तरीका है, यह इस तरीका को हम अप्लाई नहीं करेंगे। यदि बेंगलियम की बात करें तो यह मुक्त मूलक कार्य विधि को दिखाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कई बार सवाल पूछा हुआ है कि हैलोजनीकरण में कौन सा कार्य विधि का प्रयोग, कौन सा कार्य विधि आता है, तो आपको लिखना होगा मुक्त मूलक कार्य विधि यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर, चलिए तो ये तो हो गया आपका हेलो एल्केन से। एक बात और हम आपको जब बता दें, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का यह कोई बेस्ट मेथड नहीं है, आगे भी मेथड आने वाले हैं, ये कोई बेस्ट मेथड नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह मल्टीपल प्रोडक्ट देता है। आप इसको बनाओगे ना तो इसमें आपको CH2 CL2 भी मिल जाएगा, CH3 CL3 भी मिल जाएगा, तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। भले ही हमको यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, लेकिन मिलेगा और दो चार प्रोडक्ट, तो खैर उसके बारे में हमको नहीं जानना। अब इतना समझो कि एल्केन जो है, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का यह बेस्ट मेथड नहीं है। चलिए तो पहला हो गया एल्केन से, इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं नंबर टू की कहानी। चलिए चलिए तो हम दूसरा देखते हैं, फ्रॉम एल्कीन, मतलब ये कि एल्कीन से
हेलोइलकेन कैसे बनता है। देखो आपको पता है, यहाँ पहले भी हम डिस्कस करा चुके हैं कि जो आपका एल्कीन होता है ना, यह युगात्मक अभिक्रिया दिखाता है, युगात्मक अभिक्रिया दिखाता है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक आपको यहाँ पे एक रूल समझना होगा, लाइक शिम्पेयर रूल है, उस रूल का नाम है मार्कोवनिक्स रूल। हिंदी में इसको वही चीज लिखते हैं, नेम है वैज्ञानिक का, मार्कोवनिक्स का नेम। देखिए मार्कोवनिक्स रूल क्या कहता है, ये समझते हैं इसको। इसका कहना है कि जब अनसिमेट्रिकल, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल नाभिक, इलेक्ट्रॉन इसने याद करो, इलेक्ट्रोफाइल का युग होगा तो वह डबल बॉन्ड के, तो वह डबल बॉन्ड के अधिक हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा। यही है आपका मार्कोवनिक्स रूल। क्या कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल का योग होगा, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल का योग होगा तो वह डबल बॉन्ड के अधिक हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा। ध्यान देना इस बात को, एग्जांपल लेंगे, परेशान नहीं होना है। पहले समझो कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं असीमित, असीमित एल्कीन। पहले इसका मतलब समझो। देखिए यदि हम सिंपल वे में बात करें तो जो आपका एल्कीन होता है ना यहाँ पर, यह दो तरीके का, एक को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि सीमित एल्कीन, और दूसरा होता है असिमेट्रिकल एल्कीन, असिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि असीमितिक एल्कीन। जरा सोचो, सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जो जिसको हम दो बराबर बराबर भागों में कट कर दें। क्या करें हम, दो बराबर भागों में कट कर दें उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, और जिसको हम दो बराबर भागों में कट नहीं कर सके उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको कहें कि दो बराबर भागों में बांटो तो आराम से इसको आप यहाँ से कट कर सकते हो डबल बॉन्ड के साथ इधर इधर। मान लो आपसे कहें कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसको दो बराबर भागों में काटो, आराम से यहाँ से कट कर सकते हो। यहाँ जब आपसे कहें हम कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको आप बराबर भागों में कटो, काट कट कर दो, तो क्या होगा ऐसा सोचो। देखिए आप पाओगे कैसे काटोगे, मान लो आप यहाँ से डबल बॉन्ड ऐसे करते हो तो इधर तो CH2 मिलेगा बट इधर CH3 मिलेगा, तो क्या यह इक्वल पार्ट में कट कर पाओगे इसको विथ डबल बॉन्ड? बिल्कुल नहीं। तो इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसी की चर्चा तो यही करता है। मान लो इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल
यहाँ पे CH3 है, क्या है यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पे आपके पास CH है, क्लियर। और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपके पास क्या है CH2, क्लियर। अब क्या करें कि हम इसको रिएक्शन करा दें HCl के साथ, किसके साथ रिएक्शन करा दें, HCl के साथ, ठीक है। हो गया क्या, कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल का योग होगा तो वह डबल बॉन्ड के अधिक हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा। तो पहले आप यह ढूंढो कि इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होगा तो इस HCl में इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप पाओगे कि यह H+ और यह कैसा Cl-, यह इलेक्ट्रोफाइल और यह न्यूक्लियोफाइल, नहीं हो गया E+ और यह आपका Nu-। जरा सोचो, कहता है कि डबल बॉन्ड के अधिक हाइड्रोजन के पास, तो डबल बॉन्ड इसी इसी कार्बन के बीच में है ना, यहाँ पे अधिक हाइड्रोजन किसके पास है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो इसके पास अधिक हाइड्रोजन है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर होगा, तो ऐड कर दो, क्या दिक्कत है, CH3 और यहाँ पे क्या हो गया CH2 है तो CH3 हो गया ना, क्लियर। हाँ, जब ऐड होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, क्योंकि कार्बन तो चार बॉन्ड बनाता है ना, तो ध्यान रखना कि जब ऐड करोगे यहाँ पे इस दोनों को तो यह ब्रेक कर जाएगा। तो क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वह कहाँ ऐड हो जाएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होगा, तो हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड कर दे चुके, हाइड्रोजन ही तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। बट ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसको कहाँ कर दो, लोअर ऑर्बिट पे कर दो, नहीं हो गया। इलेक्ट्रोफाइल को अधिक नंबर वाले हाइड्रोजन के पास और न्यूक्लियोफाइल तो मतलब लोअर नंबर वाले हाइड्रोजन के पास, तो हो गया हमारा, बन गया प्रोडक्ट, इसको क्या बोलोगे, 2-chloroprop, 2-chloroprop। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है, मतलब वही है क्या, कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल का योग होगा, इलेक्ट्रोफाइल बदले में हम न्यूक्लियोफाइल जोड़ दें, न्यूक्लियोफाइल का योग होगा तो वह डबल बॉन्ड के हाँ कम हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा, बस वही कहानी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये है तो अधिक वाले हाइड्रोजन के पास जुड़ गया है, कहें न्यूक्लियोफाइल तो कम वाले पे घुमा फिरा कर चलो, तो बात क्या है, वही है। इसी नियम को, इसी रूल को हम क्या बोलते हैं, मार्कोवनिक्स रूल, क्लियर हो गया। हालांकि मार्कोवनिक्स इस रूल को ऐसे नहीं दिया, उन्होंने इसको डिफाइन भी किया, कैसे हुआ ये, तो कैसे हो उसको डिफाइन उन्होंने किया, आइए इसको देखते हैं। पहले आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए, चलिए इसको मिटाते हैं हम। देखिए ये डिस्कस करते हैं हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl और CH3 CHCl और क्या हो गया CH3 2-chloroprop, क्लियर। अब इसको समझते हैं, आखिर मार्कोवनिक्स जो ये बोला आखिर क्यों बोला ये, इसके पीछे तो कुछ तथ्य होगा, बिल्कुल है। उन्होंने क्या कहा, सुनो ध्यान से, कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, देखो एक बात हम पहले ही बता चुके हैं जब हम आपको बताए थे अभिक्रिया मध्यवर्ती, वहाँ आपको क्या बताए थे कि अभिक्रिया मध्यवर्ती जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्थिर होगा, हमारा प्रतिफल भी उतना ज़्यादा स्थिर बनेगा, बस समझ रहे हैं ना। यहाँ पे वही बात है, देखो प्रोपीन है, अब इसको हम HCl के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है। देखो बात को समझना, आपको पता ही है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा एक पाई बॉन्ड होता है। जरा ढूंढो, मान लो कि यह सिग्मा है लेट और यह आपका क्या है पाई है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। तो जैसे यह बॉन्ड इसको देखा HCl को, जो किस फॉर्म में आया हुआ है H+ में और Cl- में, जैसे ये डबल बॉन्ड है ना इसको देखा, इसमें से पाई बॉन्ड जो है कमजोर है बेचारा, तो यह क्या करेगा, समझेगा कि चलो हम इस पर शिफ्ट हो जाते हैं, और कभी सोचेगा कि चलो हम इस पर शिफ्ट हो जाते हैं, दोनों संभावनाएं हो सकती है ना। तो जरा सोचो, एक काम करो, इसको हटाते हैं,
जैसे सोचेगा आपको यह एच सी एल को देखा, एच प्लस सी एल माइनस को जैसे देखा, तो मान लो कि पहले यह सोचा कि चलो हम स्पेस शिफ्ट हो जाते हैं, मान लो सोच लिया। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर स्पेस शिफ्ट होगा तो सी एच थ्री और सी एच पे माइनस और सी एच टू, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैसा, प्लस चार्ज। क्लियर भाई? तो ये भी हो सकता है कि यह सोचेगा कि चलो हम स्पेस शिफ्ट हो जाते हैं, ये भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल जैसे जाए सी एल को, तो क्योंकि जैसे देखते ही चूँकि कमज़ोर है ना, देखते ही बेचैन हो गया। जैसे ही इसको देखा तो ये सोचा कि चलो इधर शिफ्ट होते हैं, जैसे इधर शिफ्ट होगा तो सी एच थ्री सी एच सी एच टू माइनस, इस पर कैसा, प्लस चार्ज। क्लियर? अब देखो यह आपको दिख रहा होगा कि यह कार्बोकोटाइन कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकोटाइन है ना प्लस, और यह कार्बोकोटाइन कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकोटाइन है। देखो हाँ, एक बात और बता दें, जैसे यहाँ पर निगेटिव चार्ज आपको जहाँ दिख रहा है, जैसे निगेटिव दिखा तो जो इलेक्ट्रोफाइल है जाकर यहाँ पे अटैक कर जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? तो एक काम करो, इसको आप लिख सकते हो ना सी एच थ्री, और फिर आपके पास सी एच और माइनस, और फिर आपके पास अच्छा सी एच टू और सी एच टू प्लस, और फिर आपका सी एच थ्री सी एच प्लस, और फिर आपका सी एच थ्री। यह दिख रहा होगा कि आपको यह 1 डिग्री कार्बोकोटाइन है, और यह कैसा है आपका 2 डिग्री कार्बोकोटाइन। बताओ जब कार्बोकोटाइन पढ़े तो वहाँ डिस्कस कितना कि 1 डिग्री कार्बोकोटाइन 2 डिग्री कार्बोकोटाइन में स्टेबल कार्बोकोटाइन कौन होता है, तो याद रखो बताए तो वहाँ पे सबसे अधिक स्टेबल 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। क्लियर? तो बताओ कि अब इस न्यूक्लियोफाइल जो आया हुआ है सी एल माइनस, इसको यहाँ अटैक कराएं कि यहाँ ऐड अटैक कराएं? देखो अटैक दोनों जगह होगा, यहाँ जब अटैक होगा सी एल आएगा यहाँ से, जब यहाँ अटैक होगा तो यह स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जब यहाँ अटैक होगा तो यह कैसा प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर यानी कि अधिक मात्रा में, और माइनर यानी कि कम मात्रा में। क्लियर? अब लिख सकते हो माइनर यानी कि अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, ठीक है, और मेजर यानी कि अधिक मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ भी एक प्रोडक्ट जोड़ लो, नहीं भी लिखो तो कम से कम मेन, हमको कभी भी ध्यान रखना रिएक्शन जब भी हम कराएं हमको मेजर प्रोडक्ट से मतलब है। किससे मतलब है, आई रिपीट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रतिफल से मतलब है। इधर आपका माइनर प्रोडक्ट क्या बनना उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो यही था आपका मार्कोवनिक्स रूल। ध्यान रखना जब भी आपको अनसिमेट्रिकल एल्किन आए तो आप करना कुछ नहीं, जहां पर हाइड्रोजन अधिक है वहां पर जाकर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो, बाकी आप जैसे तैसे अरेंज कर दो। उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया कि चूंकि 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इसलिए हम इसको यहाँ अटैक करा देंगे। चलिए, तो ये रहा आपका मार्कोवनिक्स रूल, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं एंटी मार्कोवनिक्स, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं एंटी मार्कोवनिक्स, फिर क्वेश्चन देख लेंगे। एंटी मार्कोवनिक्स रूल, हिंदी में बोलते हैं प्रति मार्कोवनिक्स रूल, इसी को शॉर्ट में कहेंगे हम एंटी मार्कोवनिक्स रूल। ध्यान रखना प्रति मार्कोवनिक्स रूल। चलिए, यह क्या कहता है दोनों सुनो ध्यान से। पहले समझो कि मार्कोवनिक्स क्या बोलता था, यही बोलता था ना कि जब अनसिमेट्रिकल एल्किन हमारे पास आएगा, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्किन में जब हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएंगे तो वह अधिक संख्या वाले हाइड्रोजन पर जाकर ऐड होगा। क्लियर? एंटी क्या बोलता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्किन में इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएंगे
कराएंगे, मतलब कि जोड़ेंगे, एक ही बात है या रिएक्शन की, जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा एक ही बात है, कुछ भी लिखो। चलिए, तो वह यानी कि कौन, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कम हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा। यही है आपका अनसिमेट्रिकल एंटी मर्कोमिक सॉल्ट। जब अनसिमेट्रिकल एल्किन में इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराएंगे तो वह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कम हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा। और ये जितना बात हम लिखे हैं ना, यह सिर्फ वैलिड है किसके केस में, एच बी आर के केस में। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। एच बी आर होगा तब भी होगा, साथ ही साथ एक और बात होना चाहिए, पेरोक्साइड लिखा हुआ होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो CH3 है और ये आपका CH डबल बॉन्ड CH2 है। कैसा एल्किन है, एल्किन है अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए आपको HBr, क्या लिखा हुआ मिल जाए, HBr। इसके ऊपर में लिखा हुआ मिल जाए आपको पेरोक्साइड, क्लियर। तो देखो होगा क्या, समझो ध्यान से, इसमें पहले पता करो कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो अब पता करोगे तो पाओगे कि यह इलेक्ट्रोफाइल है प्लस वाला और यह न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर। तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कम हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कम हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहीं पे है ना। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ दोगे तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ोगे, तब बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और क्या Br। इसी रूल को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन, पेरोक्साइड उसमें होना चाहिए और सिर्फ किसके केस में आएगा, HBr के केस में। और वही क्या लिखा हुआ मिले, पेरोक्साइड लिखा हुआ मिले। यदि मान लो इफ, यहाँ पर नोट में इस बात को लिखना, यदि HBr को छोड़कर कोई भी HX आता है और पेरोक्साइड भी हो तो हम मर्कोमिक्स रूल अपनाएंगे, मर्कोमिक्स रूल अपनाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, HBr को छोड़कर कोई भी HX आता है और पेरोक्साइड भी है तो कौन सा रूल अपनाएंगे, मर्कोमिक्स रूल अपनाएंगे। जैसे कि मान लो इसी में एग्जांपल, CH3 CH12 CH2, क्या हुआ हो कि यहाँ पे आपको HBr लिख दें और पेरोक्साइड लिख दें, तो आसानी से आप बना दोगे ना CH3 CH2 CH2 Br, क्लियर। बट यहाँ पे हम लिखे HCl और नीचे में लिखा हुआ है पेरोक्साइड, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे मर्कोमिक्स रूल ही फॉलो होगा। और CH3 CHCl और CH3, यह आपका एंटी मर्कोमिक्स रूल और यह आपका मर्कोमिक्स रूल। इसी एंटी मर्कोमिक्स को हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। इस देखो, इसमें कोई कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है, इसमें जो बनेगा इसका जो कार्यविधि होगी वह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की होगी, यानी कि मुक्त मूलक कार्यविधि की होगी। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, यदि आपको HBr है पेरोक्साइड है तब एंटी मर्कोमिक्स, कुछ और है पेरोक्साइड है तो मर्कोमिक्स, पेरोक्साइड है भी नहीं भी है लेकिन HBr के अलावा है तो हम उस केस में मर्कोमिक्स रूल को फॉलो कराएंगे। ऐसे कि मान लो इसी में हम सिर्फ HBr ले लेते हैं, कोई पेरोक्साइड कहानी नहीं लेते हैं, तो क्या अप्लाई होता, CH
ब्रोमीन मार्कोमिक सप्लाई होता, बट परऑक्साइड लेंगे तो एंटी मार्कोमिक्स, और कुछ और लिखा हुआ मिले परऑक्साइड मिले तो मार्कोमिक्स। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए तो कुछ क्वेश्चन इसके बाद कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट करो फिर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो हम लोग तो अनसिमेट्रिकल, लेकिन देख लिए, मान लो कि कहीं सिमेट्रिकल आ जाए, जैसे कि कहीं पे आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाए, सिमेट्रिकल आ जाए, और इसमें कहे कि आप HCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए इलेक्ट्रोफाइल के लिए, बोल तो इसमें तो दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं पे किसी को अटैक करा कोई दिक्कत नहीं है, तो CH3 CH2 Cl सिमेट्रिकल के कंडीशन में कोई परेशानी नहीं है, आप कैसे हम अटैक कराओ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा वाला, इसे कि मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन हो, यहाँ पे एक रिंग हो, और ठीक है, और ये काम करते हैं यहाँ पे आपको ऐसे कर देते हैं, क्लियर, और इसको हम रिएक्शन करा दें HCl के साथ, HBr के साथ, HBr और परऑक्साइड लिखा हुआ मिल जाए, और HCl और परऑक्साइड लिखा हुआ मिल जाए, इसे कैसे बनाओगे इसको सोचिए। देखो यदि हम बात करें, समझना ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है ना, मार्कोवनिक्स क्या बोलता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल है ही, ऐसे काटो गए थे कि आप इक्वल पार्ट में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम जब से ही इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे तो वह अधिक संख्या वाले हाइड्रोजन पर अटैक करेगा ना, मार्कोवनिक्स बोलता है, तो सोचो HCl है तो मार्कोवनिक्स लगेगा, मार्कोवनिक्स यहाँ भी लगेगा, तो सोचो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर कार्बन, जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐड आएगा तो बॉन्ड को टूटना ही टूटना है, सोचो कि यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो कहाँ पे कम हाइड्रोजन है, अरे यहीं पे ना है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम ही बोलोगे ना इसकी तुलना में। चलिए तो जहाँ पर कम है, जहाँ पर अधिक है, जहाँ पर अधिक है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराओ, तो जहाँ पे कम है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करा दो, जब ऐसा तो आप करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे आपके पास Cl ऐड हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और हो गया CH2 हो गया, तो ये साइलेंट है, इसमें कोई संदेह नहीं, बॉन्ड बॉन्ड टूटना ही टूटना है, तो यह कौन सा रूल अप्लाई हुआ, मार्कोवनिक्स रूल। क्लियर? यहाँ भी आ जाओ, सेम कहानी है, देखो HH लिखो कोई दिक्कत नहीं है, H2 है ना, हम पे तो ध्यान रखना है, इसको जब ऐसा कंडीशन आए तो इसको ऐसे करें, हाँ यहाँ समझो यहाँ HBr है बट परऑक्साइड है, कौन सा, एंटी मार्कोवनिक्स, एंटी क्या बोलता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन कम हो वहाँ पे हाइड्रोजन को दो, तो दो मतलब इलेक्ट्रोफाइल को दो, मेरे कहने का मतलब ये है, तो जैसे आप यहाँ पे हाइड्रोजन दोगे तो यहाँ पे क्या देना होगा आपको, ब्रोमीन दे देना होगा, ये हो गया एंटी मार्कोवनिक्स। यहाँ पे HCl है बट परऑक्साइड है, ध्यान रखना HBr के केस में परऑक्साइड रहेगा तब एंटी मार्कोवनिक्स, बाकी किस कोई भी दे आपको वहाँ पे, यदि आप परऑक्साइड है तो मार्कोवनिक्स, तो सिंपल कहानी यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आपको, मार्कोवनिक्स फॉलो कराना है, और H2 तो है। चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन अच्छा वाला, चलिए तो इसको नोट कीजिए, ये रहा हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का अभी तक का पार्ट, हालांकि अगले पार्ट में भी हम लोग मेथड ऑफ हेलो एल्केन ही पढ़ने वाले हैं। चलिए तो इसको नोट कीजिए, धन्यवाद।